आप लोग मंच को जो मंच आसीन लोग हैं उनके अलावा बाकी लोग बैठ जाए अपनी जगह पर अपना अपना स्थान ले। आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए कृपा करके तो आज की वचन का औपचारिक क्रम आरंभ हो। एक बार करिए संत नगरी हरिद्वार की, संस्कृत नगरी हरिद्वार की जय हो, गंगा मैया की महिमा है, हारा हारा। पंचायत अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं श्री प्रेमलता गिरी जी महाराज माता जी हैं और हमारे गजानंद गिरी जी महाराज श्री हैं, वो भी हमारे राजा जी का स्वागत करेंगे। सबके मन में कौतूहल है, सब लोग स्वागत करना चाहते हैं लेकिन कार्यक्रम की अपनी औपचारिक मर्यादा होती है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे लगता है कि इसे औपचारिक रहने से अंतिम कड़ी के रूप में इस आश्रम के पवन आचार्य प्रमोद जी, अरुण दुबे, अंकुश शुक्ला, ये सब अंतिम रूप से इनकी भी इच्छा है स्वागत करने की, जय हो, स्वागत करते हैं। केतन शर्मा जी अनुराग बात कही थी राम से एक तरफ से आगे बढ़ रहे बस हो गया। डॉक्टर चंदेरा जी हल्द्वानी से अब मैं इसके बाद आशीर्वचन के लिए आरोपी करना चाहूंगा। अरे हमारे दैनिक जागरण से बहुत लंबा हो गया दैनिक जागरण में प्रभारी अनूप जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे राजा जी। हमारे अनूप जी वास्तव में भाई अनूप जी आपका स्वागत आपके द्वारा स्वागत किया जा रहा है बड़ी अनूप जी द्वारा स्वागत। तमाम मीडिया के लोग हैं सब स्वागत करना चाहते हैं, सभी लोग स्वागत करना चाहते हैं लेकिन सब कुछ संभव नहीं है, मैक्सिमम अधिकतम संभव है। हाँ योगी जी महाराज स्वागत के लिए राष्ट्रपतियों से स्वागत करना है, आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूँ। सभी संतों के लिए जिन संतजनों से मैं संतजनों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा उनसे मेरी प्रार्थना है कि आशीर्वाद दो दो मिनट समय की मर्यादा का पालन करेंगे तो एक मानक बन जाएगा और कार्यक्रम अपनी मर्यादा के साथ पूरा होगा। और क्या है पुलिस कर्मी भाई लोग हैं उनको असुविधा भी होती है आप सबको व्यवस्थित करने के लिए आज सब व्यवस्था प्रदान करें जिससे इनको भी सहयोग हो। आशीर्वाद का कार्यक्रम सभी लोग मंच को मंच की मर्यादा का ध्यान रखें, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें, मंच की मर्यादा का ध्यान रखें, मंच की मर्यादा का ध्यान रखें। आप सब लोग बैठ जाइए एक एक करिए, आप सभी लोग अपने मंच की मर्यादा दर्शन करेगी आश्रम के समस्त जनों द्वारा स्वागत के बाद और बनाने दो और अब मैं प्रार्थना करूंगा आशीर्वाद देने के लिए महामंडलेश्वर और रावलेश्वरानंद गिरी जी महाराज श्री बधाई गए हैं जिनका आश्रम नेपाल में भी है और वो हमारे हिंदू सम्राट श्री राजा जी का स्वागत कर रहे हैं। स्वामी रावलेश्वरानंद जी महाराज द्वारा नेपाल नरेश जी का स्वागत औपचारिक रूप से और स्वागत के बाद अब आशीर्वाद देने के लिए मैं आमंत्रित द्वारा नेपाल नरेश जी का स्वागत औपचारिक रूप से और स्वागत के बाद अब आशीर्वाद देने के लिए मैं आमंत्रित कि आप लोग मंच को जो मंच आसीन लोग हैं उनके अलावा बाकी लोग बैठ जाए अपनी जगह पर अपना अपना स्थान ले। आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए कृपा करके तो आशीर्वचन का औपचारिक क्रम आरंभ हो। एक बार करिए संत नगरी हरिद्वार की, संस्कृत नगरी हरिद्वार की जय हो, गंगा मैया की महिमा है, हारा
महाराज श्री हैं, वो भी हमारे राजा जी का स्वागत करेंगे। सबके मन में कौतूहल है, सब लोग स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन कार्यक्रम की अपनी औपचारिक मर्यादा होती है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे लगता है कभी से औपचारिक रहने से अंतिम कड़ी के रूप में इस आश्रम के पवन आचार्य प्रमोद जी, अरुण दुबे, अंकुश शुक्ला, ये सब अंतिम रूप से इनकी भी इच्छा है स्वागत करने की, जाए और स्वागत करते हैं। चेतन शर्मा जी, अनुराग वाजपेयी जी, राम सिंह एक काम से आगे बढ़ जाए, बस हो गया। डॉक्टर चंदेला जी हल्द्वानी से, अब मैं इसके बाद आशीर्वचन के लिए आरोप करना चाहूंगा। और ये हमारे दैनिक जागरण से दैनिक जागरण में प्रभारी अनूप जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे राजा जी। हमारे अनूप श्रीवास्तव जी, भाई अनूप जी, आपका आपके द्वारा स्वागत किया जा रहा है, बड़ी अनूप जी द्वारा स्वागत। तमाम मीडिया के लोग हैं, सब स्वागत करना चाहते हैं, सभी लोग स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ संभव नहीं है, मैक्सिमम अधिकतम संभव है। हाँ, मर्योगी जी महाराज स्वागत के लिए। स्वागत प्रकार का आशीर्वचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सभी संतों के लिए, जिन संतजनों से मैं संतजनों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आशीर्वाद दो दो मिनट समय की मर्यादा का पालन करेंगे तो एक मानस बन जाएगा और कार्यक्रम अपनी मर्यादा के साथ पूरा होगा। देखो रंजनपुरी पहुंच गया, माला माला लेकर पहुंच गया, और क्या है। पुलिस कर्मी भाई लोग हैं, उनको असुविधा भी होती है, आप सबको व्यवस्थित करने के लिए आप सब व्यवस्था प्रदान करें जिससे उनको भी सहयोग हो। आशीर्वाद का कार्यक्रम सभी लोग मंच को मंच की मर्यादा का ध्यान रखें, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें, मंच की मर्यादा का ध्यान रखें, मंच की मर्यादा का ध्यान रखें। आप सब लोग बैठ जाइए, एक एक करके आप सभी लोग अपने मंच की मर्यादा कैसे काली थी आश्रम के समस्त जनों द्वारा स्वागत के बाद और बनाने दो और मेरा हो गया। अब मैं प्रार्थना करूंगा आशीर्वाद देने के लिए महामंडल और योगी रावलेश्वर गिरी जी महाराज से पधार रहे हैं, जिनका आश्रम नेपाल में भी है और वो हमारे हिंदू सम्राट श्री राजा जी का स्वागत कर रहे हैं। स्वामी रावलेश्वर जी महाराज का नेपाल नरेश जी का स्वागत औपचारिक रूप से, और स्वागत के बाद अब आशीर्वाद देने के लिए मैं आमंत्रित हूं कि आप लोग मंच को, जो मंच आसीन लोग हैं उनके अलावा बाकी लोग बैठ जाए, अपने ऊपर अपना अपना स्थान ले। आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, कृपा करके तो आशीर्वचन का औपचारिक क्रम आरंभ हो। एक बार करिए, संत नगरी हरिद्वार की, संस्कृत नगरी हरिद्वार की जय हो, गंगा मैया की बड़ी बात है, हारा हारा। पंचायत अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं श्री प्रेमलता गिरी जी महाराज माता जी हैं, और हमारे गजानंद गिरी जी महाराज श्री हैं, वो भी हमारे राजा जी का स्वागत करेंगे। सबके मन में कौतूहल है, सब लोग स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन कार्यक्रम की अपनी औपचारिक मर्यादा होती है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे लगता है कभी से औपचारिक रहने में अंतिम कड़ी के रूप में इस आश्रम के पवन आचार्य प्रमोद जी, अरुण दुबे, अंकुश शुक्ला, ये सब अंतिम रूप से इनकी भी इच्छा है स्वागत करने की, जाए और स्वागत करते हैं। चेतन शर्मा जी, अनुराग वाजपेयी जी, राम सिंह एक काम से आगे बढ़ जाए, बस हो गया।
उनका तब चले जी हल्द्वानी से। अब मैं इसके बाद आशीर्वचन के लिए आरोप की चर्चा करूंगा। अरे हमारे दैनिक जागरण से बहुत लंबा हो गया दैनिक जागरण में प्रभारी अनूप जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे राजा जी। हमारे अनूप जी वास्तव जी भाई अनूप जी आपका आपके द्वारा स्वागत किया जा रहा है बड़ी अनूप जी द्वारा स्वागत। तमाम मीडिया के लोग हैं सब स्वागत करना चाहते हैं सभी लोग स्वागत करना चाहते हैं लेकिन सब कुछ सब संभव नहीं है मैक्सिमम अधिकतम संभव है। हाँ योगी जी महाराज स्वागत के लिए स्वागत प्रकार का आशीर्वचन के लिए मैं हमसे पूछता हूँ सभी संतों के लिए जिन संतजनों से मैं संतजनों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा उनसे मेरी प्रार्थना है कि आशीर्वाद दो दो मिनट समय की मर्यादा का पालन करेंगे तो एक मानक बन जाएगा और कार्यक्रम अपनी मर्यादा के साथ पूरा होगा। और क्या है पुलिसकर्मी भाई लोग हैं उनको असुविधा भी होती है आप सबको व्यवस्थित करने के लिए आप सब व्यवस्था प्रदान करेंगे इनको भी सहयोग हो सभी लोग मंच को मंच की मर्यादा का ध्यान रखें मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें मंच की मर्यादा का ध्यान रखें मंच की मर्यादा का ध्यान आप सब लोग बैठ जाइए एक एक करके आप सभी लोग अपने मंच की मर्यादा दर्शकारी भी आज शो के समस्त जनों द्वारा स्वागत के बाद और बनाने दो और अरे तीन दिन मेरा हो गया अब मैं प्रार्थना करूंगा आशीर्वाद देने के लिए महामंडलेश्वर और हमारे योगी माता जी रावलेश्वरानंद गिरी जी महाराज श्री पधार गए हैं जिनका आश्रम नेपाल में भी है और वो हमारे हिंदू सम्राट श्री राजा जी का स्वागत कर रहे हैं। स्वामी रावलेश्वरानंद जी महाराज का नेपाल नरेश जी का स्वागत औपचारिक रूप से और स्वागत के बाद अब आशीर्वाद देने के लिए मैं आमंत्रित हूं कि आप लोग मंच को जो मंच आसीन लोग हैं उनके अलावा बाकी लोग बैठ जगह की जगह पर अपना अपना स्थान ले आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं कृपा करके तो आशीर्वचन का औपचारिक क्रम आरंभ हो। एक बार पढ़िए संत नगरी हरिद्वार की संस्कृत नगरी हरिद्वार की जय हो गंगा मैया की बड़ी बात है हारा हारा पंचायत अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं श्री प्रेमलता गिरी जी महाराज माता जी हैं और हमारे गजानंद गिरी जी महाराज श्री हैं वो भी हमारे राजा जी का स्वागत करेंगे। सबके मन में कौतूहल है सब लोग स्वागत करना चाहते हैं लेकिन कार्यक्रम की अपनी औपचारिक मर्यादा होती है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे लगता है कि इसे औपचारिक कहने में अंतिम कड़ी के रूप में इस आश्रम के पवन आचार्य प्रमोद जी अरुण दुबे अंकुश शुक्ला ये सब अंतिम रूप से इनकी भी इच्छा है स्वागत करने की जय और स्वागत करते हैं केतन शर्मा जी अरुणा बात कही राम से एक काम से आगे बढ़ जाए बस हो गया डॉक्टर चंदे राजी हल्द्वानी से। अब मैं इसके बाद आशीर्वचन के लिए आरोपी चर्चा करूंगा। अरे हमारे दैनिक जागरण से बहुत लंबा हो गया दैनिक जागरण में प्रभारी अनूप जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे राजा जी। हमारे अनूप जी वास्तव जी भाई अनूप जी आपका आपके द्वारा स्वागत किया जा रहा है बड़ी अनूप जी द्वारा स्वागत तमाम मीडिया के लोग हैं सब स्वागत करना चाहते हैं सभी लोग स्वागत करना चाहते हैं लेकिन सब कुछ सब संभव नहीं है मैक्सिमम अधिकतम संभव है। हाँ योगी जी महाराज स्वागत के लिए स्वागत प्रकार का आशीर्वचन के लिए मैं हमसे पूछता हूँ
सभी संतों के लिए, जिन संतजनों से मैं संतजनों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आशीर्वाद दो दो मिनट समय की मर्यादा का पालन करेंगे तो एक मानक बन जाएगा और कार्यक्रम अपनी मर्यादा के साथ पूरा होगा। और क्या है, पुलिसकर्मी भाई लोग हैं, उनको असुविधा भी होती है आप सबको व्यवस्थित करने के लिए, आप सब व्यवस्था प्रदान करें जिससे इनको भी सहयोग हो। आशीर्वाद का कार्यक्रम सभी लोग मंच को मंच की मर्यादा का ध्यान रखें, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें, मंच की मर्यादा का ध्यान रखें, मंच की मर्यादा का ध्यान रखें। आप सब लोग बैठ जाइए, एक एक करके सभी लोग अपने मंच की मर्यादा दर्शनकारी भी आश्रम के समस्त जनों द्वारा स्वागत के बाद और बनाने दो और मेरा हो गया। प्रार्थना करूंगा आशीर्वाद देने के लिए महामंडलेश्वर और हमारे गिरी जी महाराज से भी बधाई रहे हैं, जिनका आश्रम नेपाल में भी है और वो हमारे हिंदू सम्राट श्री राजा जी का स्वागत कर रहे हैं। स्वामी राहुलेश्वरानंद जी महाराज द्वारा नेपाल नरेश जी का स्वागत औपचारिक रूप से और स्वागत के बाद अब आशीर्वाद देने के लिए मैं आमंत्रित कि आप लोग मंच को जो मंच आसीन लोग हैं उनके अलावा बाकी लोग बैठ कर अपना अपना स्थान ले। आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, कृपा करके तो आशीर्वचन का औपचारिक क्रम आरंभ हो। एक बार पढ़िए, संत नगरी हरिद्वार की, संस्कृत नगरी हरिद्वार की जय हो, गंगा मैया की बड़ी बात है, हारा हारा। पंचायत अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं श्री प्रेमलता गिरी जी महाराज माता जी हैं और हमारे गजानन गिरी जी महाराज श्री हैं, वो भी हमारे राजा जी का स्वागत करेंगे। सबके मन में कौतूहल है, सब लोग स्वागत करना चाहते हैं लेकिन कार्यक्रम की अपनी औपचारिक मर्यादा होती है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे लगता है कि इसे औपचारिक रहने से अंतिम कड़ी के रूप में इस आश्रम के पवन आचार्य प्रमोद जी अरुण दुबे अंकुश शुक्ला ये सब अंतिम रूप से इनकी भी इच्छा है स्वागत करने की, जय और स्वागत करते हैं। चेतन शर्मा जी अनुराग बात करेगी राम से एक तरफ से आगे बढ़ जाए बस हो गया। डॉक्टर चंदेला जी हल्द्वानी से अब मैं इसके बाद आशीर्वचन के लिए आप लोग की चर्चा करूंगा और ये हमारे दैनिक जागरण से बहुत लंबा हो गया तो दैनिक जागरण में प्रभारी अनूप जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे राजा जी। हमारे अनूप श्रीवास्तव जी भाई अनूप जी आपका स्वागत आपके द्वारा स्वागत किया जा रहा है बड़ी अनूप जी द्वारा स्वागत। तमाम मीडिया के लोग सब स्वागत करना चाहते हैं, सभी लोग स्वागत करना चाहते हैं लेकिन सब कुछ तो संभव नहीं है, मैक्सिमम अधिकतम संभव है। हाँ मर्योगी जी महाराज स्वागत के लिए आश्रम की ओर से स्वागत प्रकार का आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूँ। सभी संतों के लिए जिन संतजनों से मैं संतजनों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा उनसे मेरी प्रार्थना है आशीर्वाद दो दो मिनट समय की मर्यादा का पालन करेंगे तो एक मानक बन जाएगा और कार्यक्रम अपनी मर्यादा के साथ पूरा होगा। हमारे और क्या है, पुलिसकर्मी भाई लोग हैं, उनको असुविधा भी होती है आप सबको व्यवस्थित करने के लिए, आप सब व्यवस्था प्रदान करें जिससे इनको भी सहयोग हो। आशीर्वाद का कार्यक्रम सभी लोग मंच को मंच की मर्यादा का ध्यान रखें, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें,
मन उसकी मर्यादा का ध्यान रखते, मन उसकी मर्यादा का ध्यान रखते। आप सब लोग बैठ जाइए एक एक करके, आप सभी लोग अपने मन उसकी मर्यादा आश्रम के समस्त जनों द्वारा स्वागत के बाद और बनाने दो और अरे तीन दिन मेरा हो गया। अब मैं प्रार्थना करूंगा आशीर्वाद देने के लिए महामंडल और हमारे योगी रावलेश्वरानंद गिरी जी महाराज से भी बधाई दे रहे हैं, जिनका आश्रम नेपाल में भी है और वो हमारे हिंदू सम्राट श्री राजा जी का स्वागत कर रहे हैं। स्वामी रावलेश्वरानंद जी महाराज द्वारा नेपाल नरेश जी का स्वागत औपचारिक रूप से, और स्वागत के बाद अब आशीर्वाद देने के लिए मैं आमंत्रित हूं कि आप लोग मंच को, जो मंच आसीन लोग हैं उनके अलावा बाकी लोग बैठ जाए, अपने अपना प्रस्थान ले। आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, कृपा करके तो आज की वचन का औपचारिक क्रम आरंभ हो। एक बार बोलिए संत नगरी हरिद्वार की, संस्कृत नगरी हरिद्वार की जय हो, गंगा मैया की बड़ी बोले हारा हारा। पंचायत अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं श्री प्रेमलता गिरी जी महाराज माता जी हैं, और हमारे गजानन गिरी जी महाराज श्री हैं, वो भी हमारे राजा जी का स्वागत करेंगे। सबके मन में कौतूहल है, सब लोग स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन कार्यक्रम की अपनी औपचारिक मर्यादा होती है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे लगता है कि उसे औपचारिक रहने में अंतिम कड़ी के रूप में इस आश्रम के पवन आचार्य प्रमोद जी, अरुण दुबे, अंकुश शुक्ला, ये सब अंतिम रूप से इनकी इच्छा है स्वागत करने की, जय और स्वागत करते हैं। चेतन शर्मा जी, अनुराग वाजपेयी जी, राम से एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, बस हो गया। डॉक्टर चंदेला जी हल्द्वानी से, अब मैं इसके बाद आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। अरे हमारे दैनिक जागरण से, दैनिक जागरण के प्रभारी अनुप जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे राजा जी, हमारे अनुप श्रीवास्तव जी, भाई अनुप जी आपका स्वागत, आपके द्वारा स्वागत किया जा रहा है, बड़ी अनुप जी द्वारा स्वागत। तमाम मीडिया के लोग सब स्वागत करना चाहते हैं, सभी लोग स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ संभव नहीं है, मैक्सिमम अधिकतम संभव है। हाँ मरियोगी जी महाराज स्वागत के लिए, स्वागत प्रकार का आशीर्वचन के लिए मैं हमसे पूछता हूँ। सभी संतों के लिए, जिन संतजनों से मैं संतजनों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आशीर्वाद दो दो मिनट समय की मर्यादा का पालन करेंगे तो एक मानक बन जाएगा और कार्यक्रम अपनी मर्यादा के साथ पूरा होगा। और क्या है, पुलिसकर्मी भाई लोग हैं, उनको असुविधा भी होती है, आप सबको व्यवस्थित करने के लिए आप सब व्यवस्था प्रदान करें जिससे इनको भी सहयोग हो। आशीर्वाद का कार्यक्रम सभी लोग मन को, मंच की मर्यादा का ध्यान रखें, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें, मंच की मर्यादा का ध्यान रखें, मंच की मर्यादा का ध्यान रखें। आप सब लोग बैठ जाइए एक एक करके, आप सभी लोग अपने प्रस्थान करें, मंच की मर्यादा दर्शन काली भी आश्रम के समस्त जनों द्वारा स्वागत के बाद और बनाने दो मेरा। अब मैं प्रार्थना करूंगा आशीर्वाद देने के लिए महामंडलेश्वर और हमारे रावलेश्वरानंद गिरी जी महाराज से भी बधाई दे रहे हैं, जिनका आश्रम नेपाल में भी है
और वो हमारे हिंदू सम्राट श्री राजा जी का स्वागत कर रहे हैं। स्वामी राहुलेश्वरानंद जी महाराज द्वारा नेपाल नरेश जी का स्वागत औपचारिक रूप से, और स्वागत के बाद आप आशीर्वाद देने के लिए मैं आमंत्रित हूं। आप लोग मंच को, जो मंच आसीन लोग हैं उनके अलावा बाकी लोग बैठ कर अपना अपना स्थान ले। आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, कृपा करके तो आज की वचन का औपचारिक क्रम आरंभ हो। एक बार करिए, संत नगरी हरिद्वार की, संस्कृत नगरी हरिद्वार की जय हो। गंगा मैया की बड़ी माते हारा हारा। पंचायत अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं श्री प्रेमलता गिरी जी महाराज माता जी हैं, और हमारे गजानन गिरी जी महाराज श्री हैं, वो भी हमारे राजा जी का स्वागत करेंगे। सबके मन में कौतूहल है, सब लोग स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन कार्यक्रम की अपनी औपचारिक मर्यादा होती है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे लगता है कभी से औपचारिक रहने से अंतिम कड़ी के रूप में इस आश्रम के पवन आचार्य प्रमोद जी, अरुण दुबे, अंकुश शुक्ला, ये सब अंतिम रूप से इनकी भी इच्छा है स्वागत करने की, जय और स्वागत करते हैं। चेतन शर्मा जी अनुराग वाजपेयी जी राम से एक स्टाम से आगे बढ़ जाए, बस हो गया। डॉक्टर चंदेला जी हल्द्वानी से अब मैं इसके बाद आशीर्वचन के लिए आवृत्ति करना चाहूंगा। अरे हमारे दैनिक जागरण से बहुत लंबा हो गया तो दैनिक जागरण में प्रभारी अनूप जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे राजा जी। हमारे अनूप जी वास्तव जी भाई अनूप जी आपका स्वागत, आपके द्वारा स्वागत किया जा रहा है, बड़ी अनूप जी द्वारा स्वागत। तमाम मीडिया के लोग हैं, सब स्वागत करना चाहते हैं, सभी लोग स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ संभव नहीं है, मैक्सिमम अधिकतम संभव है। हाँ मरियोगी जी महाराज स्वागत के लिए, राष्ट्रपतियों को स्वागत प्रकार का आशीर्वचन के लिए मैं आपसे पूछता हूँ। सभी संतों के लिए, जिन संतजनों से मैं संतजनों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आशीर्वाद दो दो मिनट समय की मर्यादा का पालन करेंगे तो एक मानक बन जाएगा और कार्यक्रम अपनी मर्यादा के साथ पूरा होगा। रंगसूरी पहुंच गया, माला लेकर पहुंच गया, और क्या है कि पुलिस कर्मी भाई लोग हैं उनको असुविधा भी होती है आप सबको व्यवस्थित करने के लिए, आप सब व्यवस्था प्रदान करेंगे जिससे इनको भी सहयोग हो। सभी लोग मंच को, मंच की मर्यादा का ध्यान रखें, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें, मंच की मर्यादा का ध्यान रखें, मंच की मर्यादा का ध्यान रखें। आप सब लोग बैठ जाइए एक एक करके, आप सभी लोग अपने मंच की मर्यादा दर्शन कार्यक्रम आश्रम के समस्त जनों द्वारा स्वागत के बाद और बनाने दो अब मैं प्रार्थना करूंगा आशीर्वाद देने के लिए महामंडलेश्वर और हमारे रावलेश्वरानंद गिरी जी महाराज से भी बधाई रहे हैं, जिनका आश्रम नेपाल में भी है, और वो हमारे हिंदू सम्राट श्री राजा जी का स्वागत कर रहे हैं। स्वामी रावलेश्वरानंद जी महाराज द्वारा नेपाल नरेश जी का स्वागत औपचारिक रूप से, और स्वागत के बाद आप आशीर्वाद देने के लिए मैं आमंत्रित हूं। आप लोग मंच को, जो मंच आसीन लोग हैं उनके अलावा बाकी लोग बैठ कर अपना अपना स्थान ले। आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, कृपा करके तो आशीर्वचन का औपचारिक क्रम आरंभ हो। एक बार करिए, संत नगरी हरिद्वार की, संस्कृत नगरी हरिद्वार की जय हो।
पंचायत अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं श्री प्रेमलता गिरिजी महाराज माता जी हैं और हमारे गजानन गिरिजी महाराज श्री हैं, वो भी हमारे राजा जी का स्वागत करेंगे। सबके मन में कौतूहल है, सब लोग स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन कार्यक्रम की अपनी औपचारिक मर्यादा होती है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे लगता है